huge round of applause. Our keeper Ajay sir, sir, I request you to please grace us with your words and give us some insight and your expertise, sir. Thank you. मंच पे उपस्थित आज के चीफ गेस्ट कर्मेरे रमजी प्रेसिडेंट करको आओ वेलफेयर एसोसिएशन, उनके साथ आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस समापन समारोह में जो मौजूद एआर एपे बासर जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीबीपी डब्ल्यूडी डिवीजन बासर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन एंड माय सीनियर फॉर्मर ऑनरेरी सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन मिस्टर जी धोके, प्रेसिडेंट लेपारादा फुटबॉल एसोसिएशन हैनिया बाम जी, और उनके साथ जो मेंबर्स है लेपारादा फुटबॉल एसोसिएशन के, आप सभी को अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ओर से, जो हमारा राज्य का हम सब के चाहते माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के ओर से भी मैं आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि आप पहली बार स्टेट लेवल वीमेंस को आयोजित कर रहा है। तो और स्पेशली मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो उद्घाटन समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे डॉक्टर मैरी एंतालो, आपको भी मैं एपीएफए की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने यहाँ आकर अपना बहन को इनकरेज किया, और आने वाला कुछ सालों में आप ऐसा ही अपना बहन लोग को इनकरेज करें, ताकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में लड़कियाँ भी, हमारा बेटियाँ भी आगे बढ़े, और बढ़ने में आप जैसा लोग जो सही जगह में हैं, आप सब इनकरेज करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, कॉलोनी में हो। ये एपीएफए की तरफ से आपसे भी एक रिक्वेस्ट है। और मैंने अभी जस्ट मीटिंग किया, हमारा जो डीएफए प्रेसिडेंट्स वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, सीओमी, इनके साथ अभी जस्ट मैं मीटिंग करके आया, जितना भी हमारा यहाँ का सियांग बेल्ट का जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस के साथ हमने आज ये निर्णय लिया, ये रीजन को, ये सियांग जोन को, फुटबॉल को और डेवलप करने के लिए इसे एक सस्टेनेबल मॉडल में मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। सियांग बेल्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट के बीच चैंपियनशिप होगा, वो चैंपियनशिप जो है फ्रेंचाइजी बेस पे होगा। फ्रेंचाइजी बेस पे होकर वहाँ खेलने पहले हम लोग को कहा करता था, जब मैं फुटबॉल खेलता था, हमारा लोग कहता आपको फुटबॉल खेल के क्या मिला, हमें ये क्वेश्चन आता था। लेकिन ये क्वेश्चन को मैं आज के दौर में ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं प्लेयर के सस्टेनेबल के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, हमारे रेफरीज के लिए काम करना चाहता हूँ, ताकि वो भी फुटबॉल को एक जरिया, कमाई के जरिया बनाएं, और उसी में आप सस्टेनेबल हो गए, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और गेम भी आप आगे बढ़ेगा। मैं लेपारादा को आज मैं परमानेंट मेंबरशिप ग्रांट कर रहा हूँ। तो और उनको काम करने का और एनर्जी, एक हौसला मैं ये दे रहा हूँ, और मेरा उम्मीद को वो हम एपीएफए का उम्मीद को हमेशा आप बनाए रखेंगे, और स्पेशली ग्रास रूट प्रोग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा लोग होता है उनको भी थोड़ा आप साथ में लेके चलने के लिए कोशिश कीजिए। तो अभी मैं, समय काफ़ी कम है, तो इसलिए बहुत कुछ बताना तो है, लेकिन समय के कम के कारण मैं आज हमें इस समापन समारोह में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने, या का लीडर्स ने, या का सोसाइटी ने, यहाँ का एनजीओ ने, आप सब ने मिलकर हमें आज बासर में इनवाइट किया। मैं अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से, मैं जिंदगी भर हमेशा आप सभी का आभारी रहेगा।
आप जब चाहे हमें बुलाइए, मैं आने के लिए बासर रेडी हूँ। और इसी साथ ही साथ में हम लोग वुमेन्स फुटबॉल को हम लोग और सपोर्ट करें, लेट्स सपोर्ट वुमेन फुटबॉल। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय लेपारादा। थैंक यू।